दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए 3-पिन प्लग और छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए 2-पिन प्लग ही क्यों यूज करते हैं? सोचो। दरअसल 3-पिन प्लग में ऊपर वाली पिन थोड़ी मोटी और लंबी होती है। असल में ये एक अर्थिंग पिन होती है जिससे मेटल बॉडी में कोई लीकेज हो तो पता चल जाए और ये इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से बचा सके। आपने यह देखा होगा कि आज जो पिन इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले सॉकेट में अर्थिंग पिन इंसर्ट करते हैं और बाकी के 2 पिन जिसकी वजह से इंसुलेशन फेलियर का रिस्क भी कम हो जाता है। और जो डिवाइसेस लो करंट पर ऑपरेट होते हैं जैसे कि टीवी, चार्जर, डीवीडी, इन सब के लिए 2-पिन प्लग ही यूज होता है क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन पहले से ही ऐसा होता है। डबल इंसुलेशन होने की वजह से ये अर्थिंग पिन कोई ज़रूरत नहीं होती।